अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम इन चैनल लिंग्विस्टिक्स विद कुरैन। तो आज हमने जी टॉपिक पढ़ना है, सबसे पहले ये देखने कि इन फर्स्ट लाइन दिस इज़ माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन। सिंटैक्स के सब्जेक्ट में से टॉपिक पढ़ना है हमने, ग्रामेटिकल हमने पढ़ना है, एक्चुअली सब्जेक्ट सब्जेक्ट को हमने पढ़ना है इन दी साइंटिफिक टर्म्स एंड इन दी सब्जेक्ट ऑफ सिंटैक्स, नॉट इन ट्रेडिशनल ग्रामर। ठीक है, एक चीज़ सिंटैक्स के सिलेबस में है जो कि है ग्रामेटिकल फंक्शंस। ग्रामेटिकल फंक्शंस स्टूडेंट्स होते हैं आउटलाइन के अकॉर्डिंग, जिसके सब पॉइंट्स हैं, वैसे भी होते भी यही हैं कि इसमें सब्जेक्ट होता है, कॉम्प्लीमेंट होते हैं, मॉडिफायर्स होते हैं, ऑब्जेक्ट हैं, फॉर्म एंड फंक्शन टुगेदर हैं। आज हम इनमें से सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे, फॉर्म एंड फंक्शन, मॉडिफायर्स और कॉम्प्लीमेंट्स, ये सारे के सारे चैनल पे इसकी वीडियोस हैं। आप एटीपी स्टूडेंट्स जो पहले फोर्थ सेमेस्टर में सिंटैक्स थी, अब थर्ड सेमेस्टर में है, और यूनिवर्सिटीज़ के और ऑल ओवर स्टूडेंट्स जो बीएस हैं, एडीपी वाले, सारे अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, बल्कि यही डाटा आप एग्ज़ाम्स के लिए ले सकते हैं। तो एक जस्ट ऑब्जेक्ट रह गया, उस पर भी जल्द वीडियो अपलोड हो जाएगी, बाकी आप कर लें एक दफ़ा। सबसे पहले जी देखें कि डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट क्या है इन सिंटैक्स। सब्जेक्ट इज़ अ एलिमेंट है, ग्रामेटिकल रिलेशन है दैट एग्जिबिट सर्टन इंडिपेंडेंट सिंटैक्टिकल प्रॉपर्टीज़, जो कि फिक्रे की एक इंडिपेंडेंट, एक स्ट्रॉन्ग, एक एसेंशियल प्रॉपर्टी या उसकी फिक्रे की ना ये खसूसियत होती है, उसमें सब्जेक्ट पाया जाता है। इन इंग्लिश ग्रामर द सब्जेक्ट इज़ ए पार्ट ऑफ अ सेंटेंस और क्लॉज दैट कॉमनली इंडिकेट्स व्हाट इट इज़ अबाउट, किसके मतलब है। इसमें ये भी हो सकता है कि कौन से नाउन के मतलब है, कौन आगे क्या एक्ट परफॉर्म करने वाला है, और ये कि कौन सा पॉइंट जो है डिस्कस होने वाला है, व्हाट इट इज़ अबाउट, कौन आपके जो है ना वो एक्ट परफॉर्म करने वाला है। ठीक है, और देखिए अगली लाइन में भी तकरीबन यही बात है कि हु और व्हाट परफॉर्म्स द एक्शन, कौन क्या एक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, आपको पता है अगर हम कहते हैं शी वॉक्स, तो इसमें जो शी सब्जेक्ट है वो एक्ट परफॉर्म कर रहा है, चलने वाला, शी ईट्स, शी कुक्स, तो इसमें सब्जेक्ट एक्ट परफॉर्म कर रहा है। अगर हम कहें आई, ये अगर देखें हु और व्हाट परफॉर्म्स दी एक्शन, आयशा कुक्स, आयशा ईट्स सी फूड, आयशा ईट्स सी मैंगो, आयशा इज़ गोइंग टू वॉक, तो ये वो सब्जेक्ट है जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है। किसने क्या परफॉर्म किया ये फिक्र से क्लियर। ठीक है, समझ आ गया। और ये बहुत वो टर्म है जो फेमिलियर टर्म है, इजी टर्म है, इसको सबको पता है, तो यकीनन आप अच्छी तरह समझ सकते हैं, क्योंकि आपको इतना ऑलरेडी पता है कि सेंटेंस में, फिक्रे में सब्जेक्ट की क्या, कौन सी जगह होती है, कौन सी पोजीशन होती है। देखें जी, काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट हैं, और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये चीज़ें हैं इन द सब्जेक्ट ऑफ सिंटैक्स। नाउन फ्रेज जो है वो एज अ सब्जेक्ट काम करता है, नाउन क्लॉज एज अ सब्जेक्ट काम करती है, वर्ब फ्रेज एज अ सब्जेक्ट काम करता है, और ना ये जो प्रोपोजिशनल फ्रेजेस हैं ये एज अ सब्जेक्ट काम करते हैं। अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे नाउन फ्रेज को एज अ सब्जेक्ट। द फर्स्ट ग्रामेटिकल फॉर्म दैट परफॉर्म्स द ग्रामेटिकल फंक्शन ऑफ सब्जेक्ट इज नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेजेज आर कंसिस्ट ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन, मॉडिफायर्स, कॉम्प्लीमेंट्स एंड डिटरमिनर्स। मॉडिफायर्स का आपको पता है क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्स का पता है, नाउन का भी पता है, प्रोनाउन का भी पता है, डिटरमिनर्स होते हैं, जैसे हम कहें दी गर्ल, और इसमें जो दी है वो डिटर्मिनर है और जो गर्ल है वो नाउन है। ठीक है, नाउन फ्रेजेस इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंट फॉर्म दैट फंक्शन एज द सब्जेक्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज, बल्कि
ज़्यादातर ये वो फॉर्म है नाउन फ्रेज जो कि एज अ सब्जेक्ट काम करता है, बल्कि ऑलवेज ही नाउन ही वो वर्ड क्लास है और नाउन ही वो फ्रेज है जो कि हमेशा एज अ सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ होती है। नाउन क्लॉज एज अ, पहले हमने पढ़ा नाउन फ्रेज एज अ सब्जेक्ट, अब आपने ये डिफरेंस याद रखना है, अब हम कर रहे हैं नाउन क्लॉज एज अ सब्जेक्ट, ठीक है। द सेकेंड ग्रामेटिकल फॉर्म दैट कैन परफॉर्म द ग्रामेटिकल फंक्शन ऑफ सब्जेक्ट इज द नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज इज डिफाइंड एज अ सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन फॉलोड बाय अ क्लॉज दैट परफॉर्म अ नॉमिनल फंक्शन। नॉमिनल फंक्शन का मतलब होता है नाउन से रिलेटेड जो हैं, जो कि नाउन के फंक्शंस हैं, तो ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं। आपको पता है जो क्लॉज होती है वो होती है इंडिपेंडेंट होती है, डिपेंडेंट होती है, ठीक है। तो ये जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है जो नाउन क्लॉज है, ये बीच में दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम करती है, फॉलोड बाय अ क्लॉज दैट परफॉर्म अ नॉमिनल फंक्शन, उस क्लॉज को जो एज अ नाउन काम कर रही है, ठीक है। आगे देखें जो वर्ब फ्रेज एज अ सब्जेक्ट, द थर्ड ग्रामेटिकल फॉर्म दैट फंक्शन एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इज वर्ब फ्रेज दैट इज इन द फॉर्म ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है जी फेल की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आई एन जी, कि हम के प्लेइंग, तो ये जो आई एन जी है। एंड इन्फिनिटिव्स होता है फेल की फर्स्ट फॉर्म से पहले, मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले टू लगाना, यस। जैसे हम कहते हैं किसी भी फेल की फिक्रे के, जब सेंटेंस स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं तो फेल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले जब हम टू का यूज़ करते हैं, टू मेक और इस तरह से, तो वो इन्फिनिटिव्स होते हैं। तो कहते हैं नॉन फ्रेज एज अ सब्जेक्ट, उसमें पार्टिसिपल पे कंसिस्ट होता है फिक्रा और इन्फिनिटिव्स पे होता है। और वर्ब फ्रेज आर कंसिस्ट ऑन वर्ब मॉडिफायर्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स, जैसे मैंने बताया था नॉन फ्रेजेज उनमें डिटर्मिनर्स यूज़ होते हैं, और जो वर्ब फ्रेजेस वगैरह होते हैं उनमें हमेशा मॉडिफायर्स आते हैं। मॉडिफायर्स की भी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है, आपको पता है कि क्या होते हैं। प्रोपोजिशनल फ्रेज एज अ सब्जेक्ट, प्रोपोजिशनल फ्रेजेस आर डिफाइंड एज फ्रेजेस दैट कंसिस्ट ऑफ अ प्रोपोजिशन फॉलोड बाय अ वर्ड फ्रेज क्लॉज दैट फंक्शन एज अ प्रोपोजिशनल कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे आपने ये बात याद रखनी है कि जो ये फंक्शन प्ले करता है एज अ प्रोपोजिशनल कॉम्प्लीमेंट का, और इसमें ये उस वर्ड के साथ या उन वर्ड्स के साथ अटैच होता है जो कि इसको फॉलो कर रहे होते हैं। और आपको पता है जिस वर्ड को ये फॉलो कर रहे होते हैं और उसके साथ अटैच होते हैं, और दूसरा ये कि हर वर्ड के अकॉर्डिंग ही प्रोपोजिशन चूज होती है, ठीक है। हाउ टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कैसे करना है। तो इसमें यह है कि जो क्लियरेस्ट वे है क्लियर कट के ऐसे आइडेंटिफाई करें सब्जेक्ट को फॉर सेंटेंस इज़ टू टर्न द सेंटेंस इनटू अ येस और नो क्वेश्चन। इन इंग्लिश क्वेश्चंस आर फॉर्म्ड बाय द ऑर्डर बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द फर्स्ट वर्ब विच फॉलोज इट, ठीक है। आपको पता है जो फर्स्ट वर्ब होता है उससे पहले हमेशा सब्जेक्ट यूज होता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।